कृपा करावे। हमारे बीच में समाज सेवी और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके दान प्रदान करने वाले, शिक्षा के माध्यम से स्कूलों की हालत को सुधारने वाले और उसके माध्यम से बच्चों की शिक्षा को नया रूप देने वाले श्रीमान उमेदा राम जी बेनीवाल साहब पधारे हैं। हृदय की अत्यंत गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और हमारे बीच और इसके साथ ही हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमान महेंद्र जी चौधरी साहब, प्रमुख जिला परिषद बाड़मेर। आपका भी हृदय की अतल गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं समझता हूं बाड़मेर जिले का ये आज जो समाज समृद्ध है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। इतना समृद्ध मंच बहुत विरले अवसर पर होता है। आज ये अवसर अपने आप में बड़ा सौभाग्यशाली है। ये मंच जो है इतना समृद्ध है और इस मंच पर इतनी बड़ी शख्सियतें उपस्थित है कि उनकी उपस्थिति हम सभी के लिए आत्मविश्वास और गौरव का विषय है। हाँ, मैं इस मौके पर सभी से गुजारिश करना चाहता हूं, अनुशासित साधुरा राम जी सियोर, हरलाल जाट छात्रावास विकास संस्थान के अध्यक्ष साधुलाराम जी से मेरा अनुरोध रहेगा मंच पर आसन ग्रहण करावे। श्रीमान साधुलाराम जी सियोर साहब, मेरा अनुरोध रहेगा। दालू राम जी चौधरी साहब, आपसे भी गुजारिश, आपने जो जगह चुनी है उसमें अगर थोड़ी सी तब्दीली हो जाए तो दर्शकों के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। दर्शक अपेक्षा करते हैं इस बात को लेकर हुआ है। बंधुओं से मेरा अनुरोध रहेगा आप कोई ऐसा एंगल चुने जैसे हरी जी चौधरी साहब और समाज को नई दिशा, अपने पैसे के बलबूते पर समाज सेवा करने वाले श्रीमान उमेदा राम जी हमारे प्रमुख साहब, बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित है। सबका हृदय की अतल गहराई से बहुत बहुत स्वागत। मैं पारंपरिक रूप से स्वागत करने के लिए प्रोफेसर पी आर चौधरी साहब से इजाजत चाहूंगा। होता रहेगा ऐसे संत वृंद। महन श्री जगरापुरी जी बाती विराजे हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान कुमार राम जी बैरड मंच पर आए और जगरापुरी जी का स्वागत और अभिनंदन करावे। इसी कड़ी में हमारे बीच में मंच पर उपस्थित है श्रीमान जेठनाथ जी लीलसर आश्रम कोरू से, आपका स्वागत करने के लिए मेरा अनुरोध। नाथ जी जसनाथी आपका स्वागत करेंगे। श्रीमान खरथा राम जी और हमारे बीच में मंच पर उपस्थित है भैर भारती जी बाईकुमठ से, आपका इसे संत वीरमनाथ जी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए हरी जी सेवर से मेरा अनुरोध। हमारी संस्कृति कहती है अंदर, हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। हमारे बीच में संत वृंद पधारे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। इस मौके पर हम हृदय की अतल गहराई से सभी मूढ़ संस्थान सदस्य आपसे गुजारिश रहेगी माल्यार्पण से मंत्री महोदय जी के चेहरे की मुस्कान आप और हम सभी को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि आप जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। आप साफे का स्वागत और सम्मान नहीं लेते हैं, सूत की माला से स्वागत और सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। दुर्गा राम जी सियाल कोषाध्यक्ष स्वर्गीय हरलाल जाट छात्रावास विकास संस्थान बाड़मेर, आपसे गुजारिश रहेगी माननीय श्रीमान हेमा राम जी साहब का माल्यार्पण से स्वागत और अभिनंदन करावे। इस माला को माननीय श्रीमान बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, माल्यार्पण से स्वागत आयदन राम जी बाबू। आज के समारोह में हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार।